नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति योजना, जो कि ये जीके क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पहले मैंने इसका 10 क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन इसमें सही रहेगा उसको आप ऑप्शन देना, करेक्ट आंसर देना है। अगर आप लोग उसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऑप्शन ए द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ऑप्शन बी द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, ऑप्शन सी अधिक मात्रा में फैलती है, ऑप्शन डी कम मात्रा में फैलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट आंसर, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इनकी द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, ऑप्शन ए पारद का, ऑप्शन बी ऊष्मा का, ऑप्शन सी गति का, ऑप्शन डी गोले का। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इज करेक्ट आंसर, जो कि है पारद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक बैकरों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? देखिए ऑप्शन ए ऊष्मा का नियम, ऑप्शन बी पोस्कल नियम, ऑप्शन सी आवेश का नियम, ऑप्शन डी गति का नियम। क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो कि होता है पोस्कल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समान दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कैमरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का बाहरी परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी बहुलित आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुलित बाहरी परिवर्तन। अगर आप लोगों उसका आंसर मान तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिज्म, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी कैमरा, ऑप्शन डी ऊष्मा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म। किसी पिन होल कैमरा में हमें समानता क्या मिलती है? ऑप्शन ए सीधी छाप, ऑप्शन बी उल्टी छाप, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सेंस और ऑप्शन बी उल्टी छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी सीधी छाप। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इच परावर्तन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी रोमर, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी डॉक्टर भाभा। जिसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है रोमर ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए कोशिका क्रिया, सॉरी ऑप्शन ए कोशिका क्रिया, ऑप्शन बी गति की क्रिया, ऑप्शन सी अपवर्तन की क्रिया, ऑप्शन डी परावर्तन की क्रिया। जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है कोशिका क्रिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना, 10 जीके क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग का वीडियो लाएंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे।